राधे राधे मित्रों, माँ लक्ष्मी की कृपा यानी जीवन में सुख समृद्धि और मंगल का आगमन। दोस्तों, देवी महालक्ष्मी भगवान नारायण की शक्ति और संसार की समस्त संपत्तियों की स्वामिनी हैं। महालक्ष्मी के दो रूप माने जाते हैं, श्री रूप और लक्ष्मी रूप। दोनों ही रूपों में ये भगवान विष्णु की पत्नी हैं और एक रूप में ये भगवान नारायण के वक्षस्थल में निवास करती हैं, सच्चिदानंदमयी लक्ष्मी हैं और दूसरे रूप में भौतिक संपत्ति की देवी लक्ष्मी हैं। इन्हें ही भूदेवी तथा श्री देवी कहा जाता है। भौतिक संपत्ति रूप में लक्ष्मी जी कभी एक की होकर नहीं रह सकती, अर्थात कहीं भी स्थिर होकर के नहीं रहती, इसलिए इन्हें सर्वभोग्या, चंचला, चपला और बहुगामिनी भी कहा जाता है। महालक्ष्मी अपने पूर्ण रूप में बैकुंठ में निवास करती हैं, देवराज इंद्र के यहाँ स्वर्ग लक्ष्मी के नाम से, पाताल में नाग लक्ष्मी, राजाओं के यहाँ राज्य लक्ष्मी, गृहस्थों के यहाँ गृह लक्ष्मी, व्यापारियों के यहाँ वाणिज्य लक्ष्मी तथा युद्ध में विजेताओं के यहाँ विजय लक्ष्मी के रूप में रहती हैं। गौओं में ये सुरभि रूप में, यज्ञ में दक्षिणा रूप में, कमलनियों में श्री रूप में तथा चंद्रमा में शोभा के रूप में रहती हैं। दोस्तों, सबसे पहले भगवान नारायण ने बैकुंठ में महालक्ष्मी की पूजा की थी और दूसरी बार ब्रह्मा जी ने, फिर भगवान शिव ने इनकी पूजा की। क्षीर सागर में भगवान विष्णु द्वारा पूजा करने पर त्रिलोकी में सभी लोग यानी इंद्र, कुबेर, चंद्रमा, वायु, अग्नि, मनुष्य, ऋषि मुनि, गृहस्थ इनकी नित्य पूजा करने लगे। इन्हें कमल बहुत प्रिय है, कमल पर विराजती हैं और हाथ में कमल धारण किए हुए हैं। ये सदैव प्रिय बोलती हैं और महालक्ष्मी अपने एक अंश में कई सारी वस्तुओं में विद्यमान मानी जाती हैं, जैसे मोती, माणिक, हीरे, फल, जल, राजा, रानी, सिंहासन आदि में। दोस्तों, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेष दिन होता है दीपावली का दिन, और दीपावली के दिन से शुरू करके अगर आप महालक्ष्मी के द्वादश नाम स्त्रोत का पाठ करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके यहाँ स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, यानी आपके जीवन में कभी भी धन धान्य के सुख की कमी नहीं होती। दोस्तों, इसका पाठ आपको कैसे करना चाहिए, तो द्वादश नाम स्त्रोत का पाठ दीपावली के दिन आपको 11 बार करना चाहिए और उसके पश्चात प्रतिदिन महालक्ष्मी का पूजन करके उनके इस 12 नाम वाले स्तोत्र का जाप करने से घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो चलिए देखते हैं महालक्ष्मी स्तोत्र। त्रैलोक की पूजिते देवी कमले विष्णु वल्लभे, यथा त्वम सुस्थिरा कृष्णे तथा भव मई स्थिरा। ईश्वरी कमला लक्ष्मीश्चला भूतिर हरि प्रिया, पद्मा पद्मालया संपद रमा श्री पद्मधारिणी। द्वादशैतानि नामानि लक्ष्मीं संपूज्य यः पठेत, स्थिरा लक्ष्मीर् भवेत् तस्य पुत्र दारादिभिः सह। अर्थात ईश्वरी कमला लक्ष्मी चला भूति हरि प्रिया, पद्मा पद्मालया संपति रमा श्री पद्मधारिणी। इस स्त्रोत का नित्य पाठ करने से मनुष्य स्त्री पुत्र सहित चिरकाल तक लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करता है। तो मित्रों, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए जरूर लीजिए ये 12 नाम महालक्ष्मी के। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।